इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये दोनों कहां बनते हैं? वेक्यूल, गोल्जी अपरेटस, प्लास्टिड्स और लाइसोसोम? अरसलान, इकराम शाह, हमाद, अरीन, फातिमा बी कह रहे हैं सब लोग कि गोल्जी अपरेटस होते हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन का काम करते हैं। अरीन का भी आंसर भी याद, हमाद भी बी कह रहे हैं। और कोई इसके अगेंस्ट कोई आंसर करना चाह रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है कोई भी नहीं करना चाह रहा। उसकी वजह यह है कि जो करेक्ट है वो गोल्जी अपरेटस ही है। गोल्जी अपरेटस को पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहते हैं, सेल का पोस्ट ऑफिस। अब ये जो टर्म है कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन करना, इसके लिए मैं एक ओवरऑल टर्म यहां पर यूज कर दूं, दैट इज द ग्लाइकोसाइलेशन। ये वर्ड लास्ट में याद रखना है, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का होता है एडिशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इन टू द प्रोटीन एंड द ग्लाइकोप्रोटीन। ये काम गोल्जी अपरेटस का होता है। ये आपकी बुक के अंदर एक लाइन उसने मेंशन की है, मॉडिफिकेशन ऑफ मटीरियल, तो ये भी गोल्जी अपरेटस के काम है। मॉडिफिकेशन ऑफ मटीरियल्स भी हम इसी को ही कहते हैं। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि अगर पूछा जाए कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाने के अंदर किसका रोल होता है, तो भी गोल्जी अपरेटस का रोल है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताएं कि सेल के जितनी भी सेक्रीशंस होती हैं वहां कौन एसोसिएट होता है, तो आप बताएंगे गोल्जी अपरेटस का रोल है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो साइटोकाइनेसिस होती है वहां पर भी गोल्जी अपरेटस जो है वो रोल प्ले करता है, और मोस्ट ऑफ द वेसिकल्स जो अराइज होते हैं वो भी गोल्जी अपरेटस जो है वो उससे प्रोड्यूस होते हैं। और प्लांट्स के अंदर इसका एक नाम यूज होता है, इसको डिक्टायोसोम्स कहते हैं, दैट इज द गोल्जी अपरेटस इन द प्लांट्स। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आपने याद रखना है। और इनके अंदर सिस्टर्नीज होते हैं जिनसे ये मिलकर बनते हैं, ये वेसिकल्स अराइज होते हैं, और एक पूरा सीक्वेंस अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे यहाँ पे काम करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, या मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ले लेता हूँ, तो इससे आगे जो वेसिकल्स अराइज होते हैं वो वेसिकल्स होते हैं वो मिल के गोल्जी बनाते हैं, और गोल्जी से फिर आगे वेसिकल्स अराइज होते हैं, और वो वेसिकल्स होते हैं दे में कन्वर्ट इनटू द लाइसोसोम्स। ये ऑर्गेनल्स की आपस में एसोसिएशन होती है। अगर मैं यहाँ सीक्वेंस की बात करूं कि ऑर्गेनल्स को आप सीक्वेंस के अंदर अरेंज करें, तो आप सबसे पहले देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आप देखेंगे कि गोल्जी बॉडीज आती हैं, और तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे कि लाइसोसोम आते हैं। अब इनके अंदर वेसिकल्स हैं। अब इन वेसिकल्स के भी नाम है। जो वेसिकल ईआर से निकलता है और वो गोल्जी बॉडीज के साथ जो है वो जाकर अटैच होता है, इसको हम कहते हैं दिस इज द ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल है। और जो वेसिकल गोल्जी से निकलता है दैट वेसिकल इज कॉल्ड द सेक्रेटरी वेसिकल। और पूछा जाएगा कि किस वेसिकल के अंदर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, और तो आप बताएंगे कि वो वेसिकल्स होता है सेक्रेटरी वेसिकल्स दैट कंटेन्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट। सो इन दिस वे कि वो आगे फर्दर जो है वो प्रोसेस्ड होकर आगे चलती हैं। तो ये पूरा सीक्वेंस है, लेक्चर में हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था। उसके बाद है पेप्टाइड सिंथेसिस इन साइड सेल टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोप्लास्ट और राइबोसोम्स। तो पेप्टाइड सिंथेसिस जो है वो सेल के अंदर कौन करता है? ओके, डी कासिम, डी अरसलान डी कह रहे हैं। ओके, एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर इज द डी, विच इज राइबोसोम, एंड राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। वैसे तो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, वहां भी ये प्रोटीन बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट है, वहां पर भी ये प्रोटीन बनाते हैं। इनके नाम है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इनको माइटो राइबोसोम कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसको प्लास्टो राइबोसोम कहते हैं। अब ये जो दोनों राइबोसोम होते हैं, माइटो राइबोसोम एंड प्लास्ट राइबोसोम्स, दीज राइबोसोम्स रिजेंबल्स टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के साथ एग्जांपल कर रहे हैं। उसकी वजह क्या?
जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं वो 70S होते हैं, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम होते हैं वो भी 70S होते हैं, लेकिन वो राइबोसोम्स दैट फ्रीली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली प्रेजेंट हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो वो राइबोसोम्स होते हैं, वो राइबोसोम 80S होते हैं। एस वी नो दैट, कल भी हमने इस पर बात की थी, इट्स अ स्वेडबर्ग सब यूनिट। स्वेडबर्ग जो जैसे अल्ट्रासेंट्रीफ्यूजेशन की टेक्निक बताई थी, तो वो उसने जो है वो इसके बारे में भी बताया। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, कौन सा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, परोक्सीसोम्स और वैक्यूल। जी, सेल के अंदर स्पेसिफिक मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है जिसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, उसका वो पार्ट नहीं है। जी डी कह रहे हैं हमाद भी और इकराम शाह भी डी कह रहे हैं, बिस्मा ने ए कह दिया है लाइसोसोम पार्ट नहीं, अरसलान ने सी कह दिया है, ताहा ने सी कहा है, मिक्स से जवाब आ रहे हैं। अच्छा, अब मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम सेल की ऑर्गेनल्स को देखते हैं तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि राइबोसोम्स दी और सॉरी परोक्सीसोम्स जो है वो ये स्पेसिफिकली एंजाइमेटिक रिच पार्ट होते हैं, एंड दे जनरली आर नॉट द पार्ट ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, दे आर स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक सेल्स एट द स्पेसिफिक टाइम्स बट नॉट ऑल द टाइम्स, सो दैट्स व्हाई जनरली वी डू नॉट कंसीडर द परोक्सीसोम एज द पार्ट ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है उसके अंदर ये होते भी नहीं है, ये स्पेसिफिक सेल्स के अंदर और इनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं और ये स्पेसिफिक टाइम्स के लिए होते हैं, यानी ऑल द टाइम इनका फंक्शन जो है वो नहीं होता, जिसकी वजह से हम परोक्सीसोम जो है वो इसको कंसिडर करते हैं। परोक्सीसोम एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स थोड़ा सा इसमें फर्क होता है, जब इनकी प्रेजेंस को हम देखते हैं प्लांट्स में एनिमल्स में, इनको ओवरऑल एक टर्म यूज होता है, वो भी याद रखना है, कभी सवाल पेपर में आता है माइक्रोबॉडीज, इनको माइक्रोबॉडीज कहते हैं दोनों को, परोक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम्स को। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ रोल, मेजर रोल इन द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड्स, इंट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू द केमिकल एनर्जी, इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एज एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्गेनल। हमाद ये कह रहे हैं, अकराम शाह का भी ये आंसर है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है क्या उनका मेजर रोल है। ओके जी सही हो गया, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन एंड द ग्लाइकोसाइलेशन। अब देखिए पोस्ट ट्रांसलेशनल क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मतलब ये होता है ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन का मतलब है कि प्रोटीन बन गई, प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ओके अब प्रोटीन जब बन जाएगी तो पोस्ट ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर मॉडिफिकेशंस होंगे, तो मॉडिफिकेशंस करना प्रोटीन्स के अंदर वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन होता है। फिर ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द लिपिड्स, मैंने आपको इसमें भी बताया कि लिपिड्स की ग्लाइकोसाइलेशन में काम करते हैं, ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द केमिकल एनर्जी ये क्लोरोप्लास्ट का काम है, डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट वो होगा जिसके अंदर एंजाइम्स होंगे, एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्गेनल्स ये माइटोकॉन्ड्रिया मोस्टली एनर्जी देने का काम करते हैं, तो ये आपको इसमें जो है वो डिफरेंट इनके रोल्स जो है वो मिल रहे हैं, तो ये आपने इसको जो है वो अच्छे से लर्न कर लेना है। अगला सवाल है, सेल ऑर्गेनल्स कंटेनिंग द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ये बड़ा आसान है, राइबोसोम्स, मीसोसोम, लाइसोसोम, माइक्रोसोम। ओके जी ये तो बहुत आसान है, लाइसोसोम जो होते हैं इनको हम कहते हैं कि इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और ये ब्रेक डाउन में काम करते हैं, लाइसोसोम्स को हम स्प्लिटिंग बॉडीज कहते हैं क्योंकि इसको स्प्लिट करने का काम करते हैं। इसमें जो मेन चीज है आपने लेक्चर में देखा कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या फर्क होता है, एक्शन से पहले इसको प्राइमरी कहते हैं लेकिन जब एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। फिर यहाँ लेक्चर में आपने ऑटो एगी पढ़ा, फिर आपने ऑटोलाइसिस पढ़ा, फिर आपको बताया था कि एक्रोसोम, एक्रोसोम जो होता है दैट इज द टिप ऑफ स्पर्म, तो स्पर्म की जो टिप होती है वहां पर भी लाइसोसोम प्रेजेंट होता है,
एक्रोसोम कंटेनिंग द हाइड्रोलिटिक एंजाइम, उसके अंदर भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो आपको मिलता है। तो इस तरह के सवाल यहाँ पेपर के अंदर जो है वो पूछे जा सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट नंबर इन द सेक्रेटरी सेल्स। सेक्रेटरी सेल्स में सबसे ज्यादा कौन सी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। ओके जी, अब आपको बड़ा क्लियरली ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सेल सेक्रीशन जितनी भी हो रही हैं वो उसमें जो कंट्रीब्यूशन होती है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की कंट्रीब्यूशन होती है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिलेगा जो कि सेक्रेटरी सेल्स में बहुत ज्यादा तादाद में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, अगेन एक बड़ा आसान सवाल है, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और राइबोसोम। सुसाइड बैग्स कौन से हैं? ओके जी, बी आंसर सबका आ रहा है, बिल्कुल सही है, सुसाइड बैग्स हम लाइसोसोम को कहते हैं। सुसाइड बैग्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये इन्वॉल्व होते हैं ऑटोलाइसिस में। अब यहां मैं लेक्चर में बता चुका हूं कि ऑटोलाइसिस और ऑटोफेगी इन दोनों के अंदर टेक्निकल डिफरेंस होता है। ऑटोलाइसिस होते हैं दैट इज सिंपली द बस्टिंग ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम जो होता है वो बस्ट कर जाता है, और जब लाइसोसोम बस्ट कर जाता है तो इसके रिजल्ट में सेल डेथ हो जाती है, सेल डेथ हो गई। और ऑटोफेगी जो होता है इसमें सिंपली जो लाइसोसोम क्या करता है दैट इंगर्व द वॉर्न आउट पार्ट, जो टूटे फूटे हिस्से होते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है जब सेल के अंदर उसका यूज कम हो जाता है तो उसके नंबर कम होते हैं, तो नंबर कम करने में माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको इंगर्व करता है लाइसोसोम, लेकिन उस दौरान वो बस्ट नहीं करेगा, उसको मोटोफेगी कहते हैं। तो ये दो रोल, इस वजह से उसको हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं। और वी नो दैट इसके अंदर इंजाइम्स होते हैं और जब ये बस्ट करते हैं इंजाइम्स को रिलीज कर देता है, कॉन्टेंट रिलीज कर देगा, जिससे ऑटोलाइसिस की कंडीशन जो है वो होना शुरू हो जाती है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एन ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल। एक ऑर्गेनल ऑर्गेनल के अंदर यहाँ पे काम करता है। यस, अपोप्टोसिस के अंदर एग्जैक्टली लाइसोसोमल एक्टिविटी की वजह से होता है, लेकिन अपोप्टोसिस में जो मेन रोल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। अगले टॉपिक के अंदर हमने डिटेल में इस पर बात करनी है। ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम, राइबोसोम्स और माइक्रोसोम्स। सी, राइबोसोम्स। ओके, सर हम आपका भी यही आंसर आ रहा है कि राइबोसोम को ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल कहते हैं। व्हाट इज द रीजन? जल्दी से कोई रीजन लिखते जरा मैसेज बॉक्स के अंदर कि क्या रीजन है कि इसको ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल कहते हैं। हमाद ने लिखा है कि सब यूनिट्स, अकराम शाह ने लिखा है कि प्रेजेंट इन अदर ऑर्गेनल्स। यस, दिस इज करेक्ट। ये देखिए, जो राइबोसोम्स होते हैं आप जानते हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनल है जो कि अदर ऑर्गेनल्स में भी प्रेजेंट है। जैसे आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आपको राइबोसोम्स मिलते हैं, आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर भी राइबोसोम मिलते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ऑर्गेनल्स विद इन एन ऑर्गेनल इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दिस साइज, वेट, वॉल्यूम और सेडिमेंटेशन रेट। किस बेस पर इनको क्लासिफाई किया जाता है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाल आ सकता है। ओके, डेल्टा आर आई आंसर, वेरी गुड। इसका मतलब है लेक्चर को सुना है अच्छे से, अब आप इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके इसी तरह से क्लियर हो रहे हैं। और ये हमने सेडिमेंटेशन रेट की कल भी बात की थी कि जब हम क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफाई हम वर्ड यूज करते हैं एस। तो जब हमने एस वर्ड यूज किया तो मैंने आपको पहले ही कल बताया था कि जो एस होता है वो क्या है एस, जैसे मैं लिख देता हूँ जी 60S या 70S या 80S। तो एस जो है दैट इज द स्वेडबर्ग सब यूनिट, और जो स्वेडबर्ग सब यूनिट है दिस इज द नॉन एसआई यूनिट। ये एक नॉन एसआई यूनिट है किसका? सेडिमेंटेशन रेट का, सेडिमेंटेशन रेट का सब यूनिट। दैट्स व्हाई के हम इसको क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अब सवाल आने के डिफरेंट तरीके होते हैं, यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। अगर मैं पूछूंगा विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन द नॉस्टॉक, अब आप कहें कि नॉस्टॉक के अंदर तो हमें नहीं बताया वो स्पेसिफिकली कि कौन से राइबोसोम्स होते हैं। तो कौन से राइबोसोम नॉस्टॉक के अंदर होते हैं? 70S, 80S, 55S और 100S।
अरसलान, जिशान, ताहा ये कह रहे हैं कि नौ स्टॉक के अंदर 70S होते हैं। कैसे पता चला आपको कि नौ स्टॉक के अंदर 70S होते हैं? आंसर करें जरा, ताहा जल्दी से लिख के मुझे बताएं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कि नौ स्टॉक में 70S कैसे हुए। ओके गुड, नौ स्टॉक में 70S इस वजह से हुए कि नौ स्टॉक एक प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि आपने पढ़ा है कि नौ स्टॉक जो है ये साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, तो इसके अंदर जो है वो 70S होंगे। इसी तरह से जब देखें 80S का पूछा जाएगा तो आपको कोई, अब लाइक मैं कहता हूं कि जी बताएं कि जी युगलीना में कितने एस होते हैं, मैं कहता हूं जी बताएं अमेबा में कितने एस होते हैं, मैं कहता हूं जी यीस्ट में, तो उसमें 80S। वाई? क्योंकि ये सारे के सारे जो सेल्स हैं दे आर द यूकेरियोटिक सेल। तो अब सेल्स को आपको आगे चल के हमने ये पढ़ना भी है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का आपको सोचना है कि प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, क्या ये प्रोकैरियोट में आ रहा है, क्या वो यूकैरियोट में आ रहा है? जैसे यहां पर उसने नॉस्टॉक कह दिया, या नॉस्टॉक की जगह मैं लिख दूं अगर लाइक इकोलाई, ये बताएं जी इकोलाई के अंदर कौन से, तो इकोलाइज है लाइक प्रोकैरियोटिक सेल। अगर आ जाए आपसे जी स्पायरोकीट्स में बताएं, दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल। अगर आ जाए बताएं सोडोमोनास के अंदर कौन से, तो प्रोकैरियोटिक। तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोकैरियोटिक है ये यूकैरियोटिक है। तो इस बेस पर जब क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट्स फिर उसको बहुत ब्रॉडली नहीं सोचते, सिंपली उसे एक नॉस्टॉक में फंस जाते हैं कि ये नॉस्टॉक कहाँ लिखा हुआ है, वहां क्या हमने इसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जिस वजह से एक तो टाइम जाया होता है और आप उस आंसर तक नहीं पहुंच सकते। तो ये याद रखना है कि किसी रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कि आपने उसको ब्रॉडली सोचना है कि ये किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। तो जब आपको कैटेगरी मिल जाएगी तो आप आसानी से उस सवाल तक जो वो पहुंच जाएंगे।